गुड मॉर्निंग क्लास. इन टुडेज क्लास आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस. टॉपिक मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस. इन प्रीवियस क्लास आई हैव ऑलरेडी डिस्कस व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन. तो मेडिसिन में कैसे बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं और अप्लाई करते हैं. तो इसमें दो एग्जाम्पल आई हैव ऑलरेडी डिस्कस. व्हाट आर दीज एग्जाम्पल्स. दीज आर प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन एंड एडीए डिफिशियंसी. टेड एडीए डिफिशियंसी हाउ कैसे किया जा सकता है. इंसुलिन का प्रोडक्शन और एडीए डिफिशियंसी को कैसे ट्रीट किया जा सकता है ये प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है. इन टुडेज क्लास तो टॉपिक है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस. इन मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस कैसे अप्लाई किया जाता है. मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में कैसे अप्लाई किया जाएगा यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू. तो कितनी जितने भी हमारे में जितने भी डिजीज होते हैं जो पैथोजन रिलेटेड होते हैं या बैक्टीरियल कोई भी बैक्टीरियल रिलेटेड डिजीज है या वायरस रिलेटेड डिजीज है तो उन्हें कैसे ट्रीट किया जा सकता है. तो जैसे जब कोई भी अगर सिम्टम कॉज हो रहा है फॉर एग्जांपल मलेरिया ही है हमारे में. तो जब इसके जब लो अमाउंट में जब पैथोजेंस हमारे ब्लड में होते हैं तब हमारे में कोई सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं. जब क्या होता है कि जो कोई भी डिजीज कॉज होती है तो जब उसके पैथोजेंस इन लो कंसंट्रेशन तो इस जब भी लो कंसंट्रेशन में पैथोजेंस होते हैं तो उनका जो डिजीज है उसके सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं. फॉर एग्जांपल मलेरिया. मलेरिया में जब फीवर आता है जब भी मलेरियल पैरासाइट मॉस्किटो ने अगर हमें बाइट किया उस मॉस्किटो के थ्रू हमारे अंदर पैरासाइट आया मलेरिया का. तो मलेरिया जब के सबसे पहले उनका जो मलेरियल पैरासाइट है उसका टारगेट होता है मल्टीप्लीकेशन डिविजन करना. मल्टीप्लीकेशन डिविजन में अपने नंबर इंक्रीज करे जाते हैं और अपने नंबर ये लैक में इंक्रीज करते हैं सबसे पहले. तभी हमें पहला सिम्टम जो है फीवर और रिगरिंग. तो फीवर आना और कपकपी लगना फिर वोमिटिंग और डायरिया इसके अनदर सिम्टम्स हैं. तो ये सिम्टम्स कब दिखाई देते हैं जैसे जब ये मल्टीप्लीकेशन डिवीजन करने के बाद जब ये आरबीसी को इन्फेक्ट करते हैं. तो अगर लो कंसंट्रेशन में कोई भी बैक्टीरिया है वायरस है तो ये हमें नहीं दिखाई देंगे. जैसे ही इनका कंसंट्रेशन हाई होता है और हाई कंसंट्रेशन और ये मेजरली पूरे बॉडी में बॉडी के हर पार्ट को इन्फेक्ट कर देते हैं और क्या होता है कि इन्फेक्शन कॉज करते हैं. Approximately all cells of our body. तो क्या होता है कि लो कंसंट्रेशन जब तक कि उनका कंसंट्रेशन लो है लो अमाउंट में है कोई भी पैथोजन तब तक तो हमें कोई सिम्टम्स नहीं दिखाई देगा. लेकिन जैसे ही इनका कंसंट्रेशन हाई होगा वैसे ही हमारे अंदर सिम्टम्स शो होने लग जाएंगे. तो मेजरली क्या होता है फॉर एग्जांपल एचआईवी अगर हमें एड्स हो गया है तो क्या होगा कि एड्स में जब भी ये लो अमाउंट में होते हैं तब सिम्टम्स नहीं दिखते हैं. लेकिन जैसे ही एचआईवी कन्वर्ट होता है एड्स में जैसे ही कन्वर्ट हो जाता है
तो क्या होता है कि हमारे में बहुत सारे सिम्टम्स डिजीज के दिखाई देने लग जाते हैं। तो इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है जो भी एड्स का वायरस है, तो यहाँ पे मतलब इम्यूनिटी लॉस हो जाती है। इम्यूनिटी लॉस होने की वजह से बहुत सारे पैथोजेंस हमारे पर अटैक कर देते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि जब भी एड्स होता है तो जब लो कंसंट्रेशन में इसका कोई भी सिम्टम्स नहीं दिखते हैं और हाई कंसंट्रेशन में होने की वजह से इसे ट्रीट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि तब तक बहुत पूरी ऑलमोस्ट पूरी बॉडी ही इन्फेक्ट हो चुकी रहती है और सभी हमारे इम्यून सेल्स डाई कर जाते हैं इन एड्स, अगर एड्स की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है कि लो कंसंट्रेशन मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में क्या किया जाता है, जैसे कि पीसीआर और एलिसा। पीसीआर और एलिसा टेस्ट के थ्रू, इन्हें पीसीआर और एलिसा टेस्ट के थ्रू क्या किया जाएगा कि हमारे अगर लो कंसंट्रेशन भी है किसी भी पैथोजन का तो इसे भी डायग्नोज किया जा सकता है, जैसे कि एचआईवी का टेस्ट एलिसा के थ्रू किया जाता है, एलिसा के थ्रू किया जाता है। और एचआईवी में ये ऑलमोस्ट पहले डिस्कस हो चुका है ह्यूमन डिजीज में, तो इसलिए यहाँ पे डिस्कस नहीं होगा कि एक्चुअली में होता क्या है एचआईवी और एलिसा के टेस्ट में। यहाँ पे सिंपली ये बताना है कि बायोटेक्नोलॉजी में मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में इसका क्या एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे लो कंसंट्रेशन में हम सिम्टम्स जब तक राइज होंगे तब हम इसके डायग्नोसिस के लिए जाते हैं, सॉरी जब हाई जब भी सिम्टम्स अराइज होते हैं, और वो सिम्टम्स कब अराइज होंगे, जब भी पैथोजन का कंसंट्रेशन बॉडी में हाई हो जाएगा। अब हाई कंसंट्रेशन होने पर जैसे कि ये एड्स, जब एचआईवी रहता है और ये एड्स में कन्वर्ट होता है, तो एड्स में कन्वर्ट होने के बाद इसे ट्रीट नहीं किया जा सकता है। और अगर हमने पहले ही इसे डायग्नोज कर लिया अगर एचआईवी की कंडीशन में और लो अमाउंट में जब वायरस जो वायरस प्रेजेंट है इन आवर बॉडी, तो उस कंडीशन में अगर हमने इसे एलिसा टेस्ट करा और हमने एचआईवी वायरसेस को डायग्नोज कर लिया, सॉरी डिजीज को डायग्नोज कर लिया, तो क्या होगा कि हम एचआईवी को ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन जब हाई कंसंट्रेशन में ये वायरस पूरी बॉडी में प्रेजेंट होंगे और ऑलमोस्ट सभी हमारी इम्यून सेल्स को टारगेट कर चुके होंगे और ये एड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ऐसे में क्या होगा कि हम इस डिजीज को डायग्नोज तो कर लेंगे लेकिन इसे ट्रीट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इसका मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में मेजर रोल है पीसीआर और एलिसा का। पीसीआर में सिंपली, इससे प्रीवियस क्लास में हमने पीसीआर डिस्कस कर लिया, पीसीआर में करते क्या है तो, और पीसीआर कैसे किया जा सक सॉरी कैसे किया जाता है। तो अगर पीसीआर के थ्रू अगर हमारे पास लो अमाउंट में वायरसेस हैं, तो हम पीसीआर के थ्रू उनको एम्पलीफाई कर सकते हैं। एम्पलीफाई करने के बाद एलिसा टेक्निक से उनको पता लग कर सकते हैं कि कौन से वायरसेस हैं और बॉडी में कौन से वायरस हैं। तो अगर हम टाइम टाइम पर अगर पीसीआर और सिंपली अगर एलिसा टेस्ट कराएं तो हमें डिजीज़ का पता चल जाएगा, और डिजीज़ एक बार डायग्नोज हो जाएगी अगर, तो फिर हम ट्रीटमेंट भी इजी से कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या है? कोई भी एनिमल है और उसके जीन के साथ अगर एक्स्ट्रा जीनोम प्रेजेंट है तो उन्हें बोला जाएगा, और फॉरेन जीन प्रेजेंट है तो उन्हें बोला जाएगा ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो यहाँ के ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या है कि विथ एक्स्ट्रा फॉरेन जीन नोन एज ट्रांसजेनिक एनिमल्स।
ट्रांसजेनिक एनिमल्स, तो कोई भी एनिमल होगा और उसके जीनोम के साथ कुछ एक्स्ट्रा जीनोम मटेरियल या एक्स्ट्रा जीन हमें फ्यूज करा दिया, इंट्रोड्यूस करा दिया, तो ऐसे में क्या उस एनिमल को क्या बोला जाएगा? ट्रांसजेनिक एनिमल। इसका यूज कहाँ कहाँ किया जा सकता है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज और एप्लीकेशन क्या है? ट्रांसजेनिक एनिमल, सबसे पहला यूज है इन रेगुलेशन ऑफ जीन। रेगुलेशन किसी भी जीन के रेगुलेशन में जो नॉर्मल जो फिजियोलॉजी रहती है, नॉर्मल फिजियोलॉजी के अगर कुछ एक्स्ट्रा फिजियोलॉजी या कुछ अलग फिजियोलॉजी अगर कोई शो करता है तो उसके जीन के रेगुलेशन में ट्रांसजेनिक एनिमल्स के थ्रू हम जीन रेगुलेशन की स्टडी कर सकते हैं। तो जीन रेगुलेशन, सेकेंड एग्जाम्पल और सेकेंड यूज है स्टडी ऑफ ह्यूमन डिजीज। ह्यूमन डिजीज, ह्यूमन डिजीज में कैसे करेंगे? अगर ह्यूमन डिजीज फॉर एग्जाम्पल अगर बहुत सारे केसेस हैं, जैसे कैंसर हुआ, सिस्टिक फाइब्रोसिस हुआ, अल्जाइमर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो ये सभी जेनेटिक डिजीज हैं और मेजर जो मेजर कॉज होता है ये जेनेटिक कॉज होता है। तो अगर हम इसका जितने भी जीन्स हैं अगर हम उसे स्टडी करें और जीन थेरेपी के थ्रू अल्टर कर दें, तो ऐसे में क्या किया जाएगा? अल्टर दैट मीन्स कि अल्टर कर देंगे और वहाँ पे कोई फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस कर देंगे, तो वो जो एनिमल होगा वो ट्रांसजेनिक एनिमल होगा, साथ में उस डिजीज को क्योर भी किया जा सकता है। तो फॉर एग्जांपल कौन कौन से डिजीज इसमें हो सकते हैं, वो है सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, कैंसर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, अल्जाइमर, अल्जाइमर। तो ये सभी डिजीज हैं जो मोस्ट जो केसेस होते हैं जेनेटिक होते हैं। और फॉर एग्जांपल जैसे कैंसर हुआ, चाहे और रूमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ, ये जीन्स पे ही इसके जीन कैंसर के जीन प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि कैंसर जीन है ऑन्कोजीन, तो ऑन्कोजीन सभी इंडिविजुअल में प्रेजेंट होते हैं ऑन्कोजीन, और वो हमेशा सप्रेस फॉर्म में रहते हैं। अगर वो रेगुलेट हो गए, अगर सप्रेस फॉर्म में हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई भी स्टिमुलस या कोई भी कार्सिनोजन उन्हें स्टिमुलेट करता है, तो वो स्टिमुलेट होके प्रोटो ऑन्कोजीन स्टिमुलेट होके प्रोटीन्स की सिंथेसिस करेंगे, और वो प्रोटीन की सिंथेसिस जो सेल साइकिल रेगुलेटरी प्रोटीन्स होते हैं उनको उन पे अगर बाइंड हो जाएंगे तो हमारी सेल साइकिल जो है इरेगुलर वे से चलने लग जाएगी। और सिंपली कैंसर क्या है, ट्यूमर क्या है, इसमें सेल डिवाइड होती है सॉरी बहुत तेजी से, वहाँ पे यहाँ पे रेगुलेशन सेल्स का रेगुलेशन नहीं होता है और सेल साइकिल का रेगुलेशन नहीं होता है, सिंपली उसे बस डिवाइड करना रहता है कंटिन्यूअसली। जो एक प्रोसेस होती है सेल साइकिल में, और बहुत सारे फेजेस होते हैं, जैसे इंटरफेज हुआ, G1 और G2 फेज, सिंथेसिस फेज, तो और एम फेज। तो जितनी भी कैंसरस सेल होती हैं उनमें सेल साइकिल रेगुलेशन नहीं होता है, जिससे कि सेल इंटरफेज और G1 G2 फेज में नहीं जाती है, सिर्फ एस फेज होता है और माइटोसिस एम फेज होता है, तो जिसके थ्रू वो डिवाइड करती है। तो हम अगर हर एक इंडिविजुअल में सभी में प्रोटो ऑन्कोजीन्स प्रेजेंट होते हैं, अगर हम उसे ट्रीट कर सकें और क्योर कर सकें ट्रांसजेनिक एनिमल
की तरह, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जीन थेरेपी में किया जा सकता है कि पर्टिकुलर जीन जो है वो रिमूव कर दिया जाता है जो जिससे डिजीज कॉज हो रही है, और उसके जगह वहाँ पे नॉर्मल जीन इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है इन एम्ब्रियोनिक कंडीशन, तो हम उस पर्टिकुलर डिजीज को ट्रीट कर सकते हैं, जैसे कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और अल्जाइमर, तो इन सभी डिजीज को क्योर किया जा सकता है। और बहुत सारे थर्ड यहाँ पे यूज है फॉर्मेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में जैसे कि अल्फा फर्स्ट एंटी ट्रिप्सिन, और बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल में, एनिमल से, फॉर एग्जांपल अल्फा फर्स्ट एंटी ट्रिप्सिन या आइसोलेट किया जाता है फ्रॉम डिफरेंट कैटल्स, ट्रांसजेनिक कैटल्स, और एक और है ह्यूमन ह्यूमन मिल्क प्रोटीन। ह्यूमन मिल्क प्रोटीन, ह्यूमन मिल्क प्रोटीन भी प्रोड्यूस किया जाता है ट्रांसजेनिक एनिमल से, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल है ट्रांसजेनिक काउ, ट्रांसजेनिक काउ से ह्यूमन मिल्क प्रोटीन कैसे, यहाँ पे जो भी ट्रांसजेनिक एनिमल जैसे कि नॉर्मल जो जीनोम होता है उसके साथ एक्स्ट्रा जीन, अगर हम ह्यूमन के जीन को डाल दिए ट्रांसजेनिक काउ में, इंट्रोड्यूस कर दें एम्ब्रियो में, जिससे मिल्क का प्रोडक्शन होता है होना है, तो क्या होगा कि जो ह्यूमन के जीन्स होते हैं और मिल्क प्रोडक्शन में जो प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है इन ह्यूमन, वही प्रोटीन्स का फॉर्मेशन काउ में होने लग जाता है, जो ऐसी जो ट्रांसजेनिक काउ होती है वो उसके में कितना, वो 2.3 ग्राम पर लीटर के अमाउंट में जो ट्रांसजेनिक काउ है वो प्रोटीन, ह्यूमन प्रोटीन की सिंथेसिस करती है और प्रोडक्शन करती है। तो इस तरीके से अल्फा एंटी ट्रिप्सिन और जो ह्यूमन मिल्क है जो काउ से लिया जा रहा है, ह्यूमन प्रोटीन है, मिल्क प्रोटीन है जो काउ से लिया जा रहा है ट्रांसजेनिक काउ से, ये दोनों ही यूज़ हम कर सकते हैं, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हैं तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स के थ्रू दोनों ही यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है वैक्सीन सेफ्टी, नेक्स्ट एग्जांपल है वैक्सीन सेफ्टी। वैक्सीन सेफ्टी में कैसे किया जा सकता है, क्योंकि जो फोर यूज है वैक्सीन की सेफ्टी के लिए, अगर हमने जितने भी वैक्सीन हम बनाते हैं वो डायरेक्टली ह्यूमन पे टेस्ट नहीं किए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल जितने भी अगर हम वैक्सीन बना रहे हैं डायरेक्ट ह्यूमन पे टेस्ट नहीं किए जाते हैं, क्योंकि ह्यूमन अलाउ नहीं है ह्यूमन पे टेस्ट करना, और क्योंकि हम जो वैक्सीन बना रहे हैं वो कितना सेफ है कितना नहीं है ये भी अभी पता नहीं है, तो सबसे पहले जो जो वैक्सीन की सेफ्टी का टेस्ट किया जाता है ये ट्रांसजेनिक माइस पे किया जाता है, ट्रांसजेनिक माइस पे इसलिए किया जाता है क्योंकि जो ट्रांसजेनिक माइस है इस पे ह्यूमन जीन्स ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, तो वो यहाँ पे कुछ जीन्स माइस तो रहता है लेकिन इसके पास कुछ जीन और कुछ करेक्टरिस्टिक जो रहते हैं वो ह्यूमन के रहते हैं, तो सबसे पहले जो वैक्सीन की सेफ्टी है वो माइस पे, ट्रांसजेनिक माइस पे देख लिया जाता है कि ये कितना सेफ है, अगर माइस सर्वाइव कर गया तो अगर डाई कर जाता है तो ये वैक्सीन यहीं पे रोक दी जाती है, इसका आगे टेस्ट नहीं किया जाता है। अगर ट्रांसजेनिक माइस सर्वाइव कर जाता है और ये डिजीज़, फॉर एग्जांपल किसी डिजीज़ की वैक्सीन लगाई गई है और इस माइस में वो डिजीज़ है, अगर उस डिजीज़ के अगेंस्ट में इस माइस पर, ट्रांसजेनिक माइस पर एंटीबॉडीज फॉर्म होने लग जाते हैं, दैट मीन्स कि हमारा वैक्सीन सेफली वर्क कर रहा है,
तो हम इसे आगे प्रोसीड करेंगे, अपने वैक्सीन सेफ्टी के प्रोसीजर को आगे प्रोसीड करेंगे, जिसमें ट्रांसजेनिक माइस के बाद मंकी पर ट्रांसजेनिक मंकी ट्रांसजेनिक मंकी पर टेस्ट किया जाता है। ट्रांसजेनिक मंकी पर टेस्ट करने के बाद ये इस पे भी इसे इस मंकी को भी वायरस से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। वायरस से इंट्रोड्यूस करने के बाद क्या होता है कि वो डिजीज जिस डिजीज के लिए हमने वैक्सीन बनाई है उस डिजीज के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं। नहीं, अगर फाइनली यहाँ पे भी डेवलप हो जाते हैं इस वैक्सीन के, तो फाइन वैक्सीन के एंटीबॉडीज डेवलप हो जाते हैं, तो फाइनल फिर ह्यूमन पे देखा जाता है कोई एलर्जी तो नहीं डेवलप हो रही है, क्योंकि यहाँ पर एलर्जी से नहीं होता है, यहाँ पर एंटीबॉडीज से होता है। फाइनल फिर ह्यूमन पे देख लिया जाता है कि वहाँ पे एलर्जी कोई डेवलप हो रही है या नहीं इस वैक्सीन के अगेंस्ट में। अगर वो एलर्जी डेवलप होगी तो ये वो वहीं पे वैक्सीन का फॉर्मेशन रोक दिया जाएगा, अनदर वैक्सीन बनाई जाएगी और फिर वही प्रोसीजर होगा माइस मंकी एंड देन ह्यूमन। नेक्स्ट है केमिकल सेफ्टी। केमिकल सेफ्टी केमिकल सेफ्टी कोई भी ड्रग्स अगर हम बनाते हैं तो ड्रग्स तो वो भी डायरेक्ट ह्यूमन पे टेस्ट नहीं किए जाते हैं, क्योंकि इसके अभी हमने जो ड्रग्स बनाया है उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, अगर केमिकल कंपोजिशन अगर सही नहीं होगा तो वो भी एलर्जी हमारे में या ह्यूमन बॉडी पर शो होने लग जाएगी उसके अगेंस्ट में एलर्जी, और हमारा इम्यून जो है फंक्शन वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और एलर्जी डेवलप हो जाएगी। तो इस केस में जितने भी ड्रग्स हैं वो भी ट्रांसजेनिक माइस पे यूज़ किए जाते हैं और उसकी सेफ्टी भी देखी जाती है, जितने भी केमिकल्स हैं उनकी सेफ्टी देखी जाती है ट्रांसजेनिक माइस और ट्रांसजेनिक मंकी पर। तो ये केमिकल सेफ्टी में भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि ड्रग्स फॉर एग्जाम्पल जितने भी ड्रग्स कैंसर के लिए बनाए जाते हैं उन्हें डायरेक्ट ह्यूमन पे नहीं चेक किया जाता है, उसे ट्रांसजेनिक माइस पे उस ड्रग का क्या इफेक्ट पड़ रहा है उस ट्रांसजेनिक माइस पे, अगर ये इस पे अगर कोई इफेक्ट पड़ता है तो फिर इसे नहीं आगे प्रोसीड किया जाता है, ये ड्रग उस वहीं पर रोक दिया जाता है। तो ये जो मेजर फंक्शन है ट्रांसजेनिक माइस के वो ये है। अब नेक्स्ट टॉपिक है इथिकल इश्यूज़।